यार अभी ना मैं वर्क कर रहा था, कुछ गेमिंग वगैरह के वीडियोस एडिट कर रहा था, तो इतना ज़्यादा हीट हो रहा है ना ये, तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे को। क्योंकि जब भी वर्क करने बैठता हूँ तो थोड़ा सा इस पे लोड देता हूँ, तो इतना हीट होता है कि लैग करने लगता है बीच बीच में, तो फटाफट से इसको पहले रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसकी थर्मल पेस्ट एक बार भी चेंज नहीं की है, तो फटाफट से इसके लिए नई थर्मल पेस्ट लेके आता हूँ, इसमें लगाता हूँ और फिर देखता हूँ कैसी रहती है परफॉर्मेंस। इसी के साथ यार ये हाथ वाली जो कहानी है ना, ये भी बहुत बुरी हुई अपने साथ, तो थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में, वहां पे मैं आपको प्रॉपर बताता हूं कि क्या हुआ मेरे साथ। तो भाई लोगों, एक गेम होता है जिसका नाम होता है कबड्डी, और जिन लोगों को नहीं पता इसमें क्या होता है तो मैं बताता हूं। इसमें एक इस तरीके का एक ग्राउंड होता है, और ये होती है भाई साहब सेंटर लाइन, और एक लाइन यहां होती है और दूसरी लाइन यहां होती है। और प्रोफेशनल गेम्स में एक सेंटर लाइन यहाँ भी और होती है, बट इसके अंदर हमने इतना कुछ नहीं किया हुआ है। तो दो दो तीन तीन प्लेयर हम हर साइड होते हैं, लगभग पांच प्लेयर एक साइड होते हैं और पांच प्लेयर दूसरी साइड होते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें इधर जैसे एक प्लेयर यहाँ एक प्लेयर यहाँ, कॉर्नर पे दो दो प्लेयर्स और दो दो प्लेयर्स इनके पास में और एक सेंटर में, इस तरीके से पाँच प्लेयर इधर हैं और पाँच प्लेयर्स ही इधर हैं, एक सेंटर में और दो दो कॉर्नर पे और एक एक इनके बीच में। तो पांच पांच प्लेयर्स दोनों तरफ होते हैं, एक प्लेयर यहाँ से जाता है और दूसरी तरफ जाने के बाद इन सभी को किसी को टच करके आना होता है, और उसके बाद अगर ये वाले लोग उसे पकड़ के इस लाइन से क्रॉस नहीं करने देते हैं, कुछ टाइम लिमिट होता है उसके अंदर, तो एक पॉइंट इनका लूज़ होता है और एक बंदा इनका बाहर हो जाता है, फिर यहाँ से बंदे रेड पे आते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। सो भाई इस गेम के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि हाथ पांव पे कहीं भी चोट लग सकती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि खेलते वक्त कुछ भी पता नहीं चलता है। सो ऐसा ही हुआ था उस दिन मेरे साथ। 5 से 6 दिन खेलने के बाद एक दिन क्या हुआ भाई, मैं यहाँ से इधर वाले ग्राउंड में, ये इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। सो ए से मैं बी के अंदर रेड डालने आया, और कुछ प्लेयर्स ने मेरे को, यहाँ पे शायद उस दिन 4 प्लेयर थे, और कुछ प्लेयर्स ने मुझे अचानक से पकड़ के एकदम से नीचे गिराया। उसकी वजह से क्या है, अपने हाथ का जो अंगूठा था, ये राइट हैंड है, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, जो मेरे लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा होता है वो ऐसे नीचे दब गया बॉडी के, और इसके ऊपर मेरा पूरा बॉडी वेट आ गया। तो उस दिन पूरे दिन हाथ में दर्द रहा, उसको मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, यार थोड़ी बहुत तो लगती है खेलते वक्त। तो उससे नेक्स्ट दिन दोबारा खेलने गए शाम को, उस दिन भाई साहब अपनी पोजीशन जो थी वो थी ये वाली कॉर्नर, मैं यहाँ पे संभाल रहा था, और टोटल प्लेयर उस दिन 3 ही थे हम, और 3 ही दूसरी तरफ थे। तो इधर से भाई साहब एक रेड आया मेरे पास, और पहले इधर गया इस कॉर्नर पे, और उसके बाद वापस मेरे पास जब आया तो उसने इस लाइन को टच किया, टच करते ही मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, और उसी दौरान जैसे उसने ऐसे हाथ किया, मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने एकदम जोर से झपटने की उसको कोशिश की, तो ये जो अंगूठा है वो इस तरीके से मेरे खुद के हैंड से यहाँ से टकराया, जिसके अभी मैंने इससे जो था वो खोल दिया, उतार दिया। तो जैसे ये अंगूठा यहाँ पे इस तरीके से जोर से, बहुत जोर से टकराया, तो यहाँ पे ये जो जॉइंट है यहाँ से, इस तरफ से यहाँ से अपना मांस फट गया इसका। तो प्रॉपर मैंने इसका एक्सरे करवाया, मेरे को लगा कि कहीं फ्रैक्चर वगैरह ना आ गया हो, तो एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि मांस फट चुका है। तो भाई अब काफ़ी दिनों से ये सही नहीं हो रहा है, कुछ भी काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इन 4 फिंगर से कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस थंब को रोटेट करता हूँ मैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, भयंकर वाला दर्द होता है। तो ये थी दास्तां हमारे इस हाथ की। सो अभी फिलहाल मैं थर्मल पेस्ट लेके आता हूँ इसके लिए, फिर देखते हैं लैपटॉप का क्या जुगाड़मेंट बैठता है, अगर ये हीटिंग का इशू इसमें जाता है तो ठीक, वरना कुछ और प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, तो वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो यार ये छोटी सी चीज़ की वजह से मेरे को स्पेशली मार्केट जाना पड़ा, क्योंकि लैपटॉप अपना हीट हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल कैसे ये थर्मल पेस्ट चेंज करेंगे वो मैं अभी जल्दी से कर रहा हूँ, और इसका जो प्रोसेस है वो डीपली अगर आप देखना चाहते हैं तो टेक चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो का किस तरीके से आप अपने लैपटॉप का थर्मल पेस्ट चेंज करके उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसे चेंज कर लेता हूँ फटाफट से, और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ निकलता है।
ये ना बहुत बारीकी वाला काम है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और एक ना यार, बचपन में ना मेरे को शौक होता था इन सब चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। तो ये जो जैसे कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे, मैं ये उखाड़ के ना अपने पास रख लेता था। उस टाइम मेरे को पता नहीं होता था कि क्या चीज़ होती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब होता था उसमें से ये चीज़ें निकाल के रख लेता था, और ये सोच के कि इन फ्यूचर में इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो मेरे को काम आएंगे, किसी और चीज़ के अंदर डाल दूंगा, ऐसा सोच के। अभी भी बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास ये कंपोनेंट्स वगैरह, मैं इकट्ठे करता था, शौक था मेरे को। मेरी तरह आप में से और भी काफ़ी सारे लोग इस तरह की हरकतें करते होंगे बचपन में, तो ज़रूर बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या आपको भी ये वाला शौक था। The next morning. तो यार कल ना लैपटॉप का काम सारा कर लिया था हमने कंप्लीट, और अभी फिलहाल मस्त चल रहा है एकदम। अभी मैं उसी पे काम कर रहा था, वीडियो एडिट करके अपलोड किया है। और तभी मेन वाइल तभी मेरे पास डिलीवरी बॉय का कॉल आता है कि आपका पार्सल आ गया भैया, ले जाइए। पार्सल ऐसा नहीं है कि घर के बाहर आया पड़ा है और उठा के ले जाओ, उसमें सीन ये रहता है कि मेरे घर पे यहाँ पे डिलीवरी नहीं आती है पार्सल की। तो वो बंदा आधे घंटे पहले कॉल कर देता है मेरे को, फिर मेरे को मार्केट यानी पदमपुर जाके पार्सल को पिक करना पड़ता है। तो यार बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ लेने के लिए स्पेशली मेरे को वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है। और अभी फिलहाल जस्ट उसका कॉल आया कि भाई आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, तो आप वहाँ पे आइए और ले जाइए। वैसे मैंने ना यार जेफ भाई से बात की थी, मैंने कहा यार सॉर्ट आउट करो इस चीज़ को, समझे नहीं जेफ? अरे अपना बेजोस यार, कल ही उसके साथ कॉल पे बात हो रही थी मेरी, वीडियो कॉल पे। तो जेफ भाई ने आश्वासन दिया हमें कि आने वाले जो पार्सल है वो आपके घर पे पहुंचा करेंगे। सो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ पदमपुर, तो स्पेशली और कोई काम है नहीं, वैसे स्पेशली पार्सल लेने के लिए ही जा रहा हूँ। तो चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज के दिन को। यार उधर गांव में नहीं आते क्या आप? पहले अमेजोन से आए थे, दो तीन ऑर्डर वो तो आ गए थे। अच्छा, आप उधर से रायसनगर से आते हो? अच्छा। तो गाइस पार्सल ले आया मैं, और थोड़ी सी गलत फहमी थी, ये अमेजोन से नहीं आजियो से आया है। और देखते हैं इसको खोल के क्या कुछ है इसमें। और इसके अलावा मैंने यार डिलीवरी बॉय को ये भी कहा था कि यार घर पे दे जाया कर, आपने देखा होगा। तो बोल रहा था कि यार इधर से मेरा रूट नहीं पड़ता है, तो वो दूसरे रूट से आता है, तो इसलिए अगर इधर आता है तो स्पेशल उसे 4 से 5 किलोमीटर आना पड़ेगा डिलीवरी देने के लिए। तो इसलिए वो पदमपुर आके मेरे को कॉल कर लेता है। बट चलो यार पास में ही है तो जाके कुछ थोड़ा बहुत सामान और भी ले आया मैं। इसके अलावा मैं डेविल के लिए कुछ बेल्ट्स वगैरह लेके आया हूँ, और शाम को जब इवनिंग वॉक पे लेके जाता हूँ तो उसके लिए उसने जो रस्सी थी पहले वाली वो तोड़ दी, तो ये नई लेके आया हूँ मैं उसके लिए। तो ये उसको पहना के देखेंगे कि फिट होता है, यानी उससे पहले इसको करते हैं अनबॉक्स। तो भाई यार इसको हाथों से खोलता हूँ मैं, अभी कटर वगैरह कुछ है नहीं मेरे पास। तो ये देखो पैकिंग जैक एंड जॉन्स की तरफ से आया है, तो ये शॉर्ट आया है स्पेशल यार इसको लेने के लिए, मैं पदमपुर गया इतनी दूर। तो चलो गर्मी के अंदर जाना पड़ा, बट जाना पड़ता है, क्या इलाज है यार। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पार्सल घर पे नहीं डिलीवर होते हैं, कुछ कुछ पार्सल्स आ जाते हैं, बाकी सारे मेरे को लेके आने पड़ते हैं। सो अभी फिलहाल हमारा डेविल आ चुका है नहा धोकर, तो इसको मिलवाते हैं इसके नए बेल्ट से और पहनाते हैं इसे। सूंघ रहा है, सूंघ रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन देख रहा है डेविल, देख। तो इसको फाइनली पहनाते हैं और देखते हैं साइज बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड। तो येलो कलर काफी जच रहा है व्हाइट के ऊपर। और अभी फिलहाल एक और सरप्राइज है तेरे लिए, देखेगा ये देख, नई रस्सी, इसको भी सूंघ रहा है, नई रस्सी है तेरे लिए, पहले वाली तू खा के तूने तोड़ दी। ये ना खा जाता है, इसको काट देता है जब बांधते ना रस्सी से, तो इसको काट देता है दांतों से। तो इसको ऐसे बांध के भैया अब चलो चलते हैं, चलो चले वॉक पे चलते हैं। ये है हमारा अच्छा सा प्यारा सा डेविल, वॉक पे चले चलो। The very next evening.
अभी फिलहाल चल रहा है गोल्डन आवर और सनसेट हो रहा है बाहर। तो वैसे यार कोशिश तो हम करते हैं कि रेगुलर वीडियोस आते रहें, आपसे कनेक्टेड रहें, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, तो उसकी वजह से यार थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया। और काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं भाई वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। अब से वीडियो रेगुलर आने वाले हैं और कुछ हद तक मेरा हाथ अभी कुछ सही हो रहा है, तो रिकवर हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे। एंड इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ यार डेली, कोई शायद ऐसा कोई दिन होता है जब मैं अपडेट नहीं डालता अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। जो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी नया हो रहा है, कुछ भी अच्छा है बुरा हो रहा है, वो मैं वहाँ पे अपडेट यूट्यूब से पहले डालता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप एक बार वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इन सब के बीच में यार एक नया चैनल भी हमने स्टार्ट किया है, गेमिंग चैनल, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा वीडियो का, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अभी उस पर काफ़ी वर्क चल रहा है अच्छे से प्रॉपर वाला, तो गेमिंग के अंदर भी हम अपना हाथ आजमा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है लॉकडाउन का सीन चल रहा है, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ यार रुके पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ नया मैं ट्राई करता रहता हूँ, मेरी हैबिट है। तो उसके साथ ही साथ ना अभी फिलहाल म्यूजिक इंडस्ट्री में थोड़ा सा हाथ आजमा रहा हूं मैं, म्यूजिक प्रोडक्शन एंड डीजेइंग के अंदर, तो उसका भी चल रहा है, तो सारा कुछ यार मिलजुल के चल रहा है। तो एक बार यार आप गेमिंग चैनल को जरूर विजिट करिए, वहां पे भी मैं वीडियोस डाल रहा हूं प्रॉपरली, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी बिल्कुल इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।